जैसा ये महल बादलगढ़ है और इसी महल के कोने में बसा पर्दा नशीन हरम, जहां मुगलिया सल्तनत की जनानियां रहती थीं। यहां सुंदरता थी, नाच था, ऐश आराम की हर चीज मौजूद थी। कुछ लड़कियां ब्याह कर लाई गई थीं, कुछ जंग में जीत कर और कुछ जबरन उठाई गई थीं। पर सभी लड़कियां खुद को शहंशाह की बेगम समझती थीं। ए दिलदार, कहां तक पहुंचे शहंशाह? हम जानते हैं, आपको सब पता है कि वो किस और किस दिशा से पहले आएंगे। वैसे भी बहुत इंतजार करवा लिया उन्होंने इस पर। हाँ। अरे कोई इनकी आंखों को तो देखो, कैसी सूखी झील सी हो गई है। ये शहंशाह का हरम है, पर वो यहाँ अपना ज्यादा वक्त नहीं बिताते थे, इसलिए हर कोई उनकी नजरें इनायत चाहती थी। और कितना समय लगाएंगे? अरे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, शहंशाह आप लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं। रुको दिलदार, हमारी बात तो सुन लो। इस बार कुछ ऐसा कर दो कि शहंशाह सीधे हमारे आगोश में आ जाए। अरे पहले अपने बदन का गोश तो कम कर ले, फिर आगोश की बात करना। अरे ए होशियार। हाय, मेरे तशरीफ का क्या होगा? मेरी तस्वीर शहंशाह की आंखों के सामने बना दे, फिर देख जो बोलेगी वो दूंगी। शहंशाह न तुमसे मिलेंगे, न तुमसे और न तुमसे, वो तो आएंगे तो तेरा। होशियार, हमारे बालों में ऐसी खुशबू डालो कि हमारे बालों की खुशबू से शहंशाह मदहोश हो जाए। एक मिनट बेगम, इस तरह से तो एक दिन आप अपने बाल ही जला लेंगी। 2 महीने तक शहंशाह के दीदार हो जाए तो इसे आप अपनी खुशकिस्मती समझिएगा। तो तुम्हारा कहना है कि हमें उनका दीदार तक नहीं होगा? ना, नहीं। पर ये मत भूलो कि हम भी उनकी बेगम हैं। बेगम? आप बेगम है तो वो बादशाह बेगम है जो सिर्फ नजरें ही नहीं मिलाती बल्कि सीधा दिमाग भी कब्जा करती है। या खुदा, वो औरत ऐसा क्या है उस रुकैया में जो हम में नहीं है? उनमें जो है वो आप सब में नहीं है, अकल।